तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 10 लेसन का न्यूमेरिकल, जिसका नाम क्या है, तो पदार्थों का अणुगति सिद्धांत, उसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऑप्शन दिया है। तो जब भी द्रव होता है, कोई भी द्रव हो, जब वो जमता है, क्या होता है, जब वो जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अब कहेंगे भाई जमता है तो कैसे बढ़ती है, देखिए कोई भी द्रव है जब वो जमता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा कब, जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तब। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है, यानी अणुओं के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ता है या बढ़ती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ये ऐसे एकदम सरल था कि जब भी कोई भी द्रव हो, जब उसको जमाएंगे, उसको ठोस बनाएंगे, तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतना क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा नंबर। कह रहा है किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन चल रहा है ना, दूसरा नंबर, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक, अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है, टी के ताप के समानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा क्या बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, ताप देंगे तो जो भी पदार्थ है उसके अणुओं की गति क्या होती है, बढ़ेगी, तभी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कि ताप देते हैं तो जो कण होते हैं, जो पदार्थ जिससे बना होता है, वो उनकी गति क्या होती है, गति में वृद्धि होने लगती है और वो मोशन करने लगते हैं, इसलिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो दूसरा है इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है। क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठोस को, द्रव को जमाएंगे या ठोस बनाएंगे तब भी उसके अणुओं की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है कब, जब ताप को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। समानुपाती का मतलब क्या, ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा घटेगी। यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। इतना श्योर है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सुनिए, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी गैस की प्रति लीटर गतिज ऊर्जा 300 जूल है तो गैस का दाब होगा 3 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर, 6 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर, या 2 × 10⁵ मीटर। ये आपका ऑप्शन दिया है। तो गतिज ऊर्जा पूछा है ना, अरे सॉरी दाब पूछा है, गतिज ऊर्जा दिया है, तो हम लोगों ने गतिज ऊर्जा और दाब में संबंध निकाला है क्या, पी बराबर 2/3 ई, ये निकाला है ना, जहाँ ई क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ई का मान दिया है कितना, 300 जूल, 300 जूल, 300 जूल इतना दिया है। अब इसका मान रखिए इसमें, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 गुणे ई का मान कितना है, 300। यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2 × यहाँ पे 100 हो जाएगा, या पी बराबर 2 × 10⁻². इतना आएगा, इतना सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। देखिए आंसर इतना दिया है, नहीं दिया है, न्यूटन प्रति मीटर में दिया है। इसका मतलब जो हम लोग को दिया है ऊर्जा, ऊर्जा दिया है ना 300 जूल प्रति लीटर दिया है, 300 जूल है प्रति लीटर में, प्रति लीटर की बात कर रहा है ना, प्रति लीटर में जो ऊर्जा है वो 300 जूल है। तो मीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 10³ इसमें लगेगा ना,
लीटर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, ठीक है। इसमें मीटर में दिया है ना, न्यूटन प्रति मीटर दिया है, तो लीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यानी जो ये मात्रक दिया था, सॉरी जो ऊर्जा दी थी 300 जूल प्रति लीटर दिया था, इसको चेंज करेंगे मीटर किसमें, प्रति मीटर में। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 यानी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो वही हो जाएगा कितना, 2 × 10 की पावर 3 × 5। आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे, 300 × 10 की पावर 3 जूल प्रति लीटर, लीटर है तो मीटर हो जाएगा, जूल प्रति मीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हम लोग का न्यूटन प्रति मीटर में दिया है, तो इसलिए इसको लीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है, ये बट्टा में ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वही 10 की पावर +3 होता है। तो यहाँ से गुणा कर देंगे लास्ट में या यहाँ पे रखेंगे, बात वही है, ठीक है। तो ये आ गया क्या, इतना न्यूटन प्रति मीटर, P बराबर होता है ना F/A, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दाब इतना आ गया। ऑप्शन अब मिलाते हैं, देखिए ऑप्शन अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 × 10 की पावर 5 ऑप्शन नंबर डी, यानी जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया सोल्यूशन, आसान है ये भी, ठीक ना। बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, P बराबर 2/3 E होता है, दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध, इसका मान दिया था रख के, सीधे P का मान पूछ रहा था, उसको निकालना था। तो आ गया कितना, 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, इसको मिटाते हैं। तो सुनिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन हो, अवगाद्रो संख्या 6 × 10 की पावर 23 हो, तो 327 °C पर ताप पर ऑक्सीजन गैस की अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा होगी, माध्य गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने सिद्ध किया है या निकाला भी है, ए बराबर क्या होता है, होता है क्या है, 3/2 होता है के टी, यही होता है 3/2 KT होता है, हम लोगों ने पीछे निकाल रखा है, हम 3/2 KT, यहाँ पे जो के है वही क्या है, नियतांक है। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है ये कि के बराबर 3/2 KT, ई बराबर 3/2 KT, के क्या है, नियतांक है। यदि अवगाद्रो संख्या की बात की जाए, अवगाद्रो की, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ई बराबर क्या, 3/2 KT बटे में एन, एन क्या है, अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो संख्या है। अब सब मान दिया ही है, अब बस इस फार्मूले में सबका मान रख के हम लोग को ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, के का मान कितना दिया है, 8.3 दिया है जी, 8.3 दिया है, हाँ 8.3, ठीक। और उसके बाद से एन का मान दिया है कितना, एन का मान दिया है 6 × 10 की पावर 23, 6 × 10 की पावर 23, और टी बच रहा है ना, तो टी का मान दिया भी है आपको, टी का मान क्या दिया है, टी का मान दिया है कितना, 327 °C दिया है ना, 327 °C, यानी जो टी दिया है, कहते हैं टी का मान दिया कितना, 373 °C, इसको चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में, तो इसमें क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे, यही करेंगे ना, 327 दिया है, सॉरी 327 है, 273 नहीं 327 है, इसमें जोड़ेंगे कितना, 273, तो T बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 9 = 10, 3 × 5 = 6, इतना ताप आ जाएगा। तो यही T का मान यहाँ पे रखना है कितना, जो ये T है या क्वेश्चन में K का मान रख दिए, N का मान रख दिए, T बचा है, T का मान कितना रखेंगे, 600, ये T का मान रखेंगे, ठीक है। अब इसी का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से 2 से ये कट जाएगा कितना, 300, इसको कटाएंगे तो 3 × 3 = 100 हो जाएगा, और 3 × 6 हो जाएगा, होगा। अब फिर इसको अब कैलकुलेशन क्या करना है, देखिए ई बराबर करना है आपको 3 × 8.3 / 3, और देखिए ये 10 की पावर 23 है, इसको लिख सकते हैं, इसे 100 को लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 है, तो इसमें से काट देगा 2 को, तो बचेगा 21, और 21 को ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस
21 इतना होगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3 × 8.3 / 3 और कितना आ जाएगा आपका, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ठीक ना, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना, कितना आया है, आया है आपका 12 × 45 × 10³। 12 × 45 × 10³-23 ठीक है। और ई का मात्रक ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल, तो आपका आएगा कितना, ई बराबर कितना आएगा 12 × 45 × 10³-23 जूल। तो ऑप्शन की बात कर ले चौथे का, तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर जा रहा है, 12 × 45 × 10³-23 ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। ये जो 12 × 45 है ना, हम लोग के विधायक का गाड़ी का नंबर है ठीक है, तो हम लोग मुझको तो ऐसे ही याद आ जाएगा 12 × 45, ये हम लोग के विधायक के क्या है, गाड़ी का नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना नहीं था, बस के का मान दिया था नियतांक का, अवगाद्रो की बात कर दिया है तो जो फॉर्मूला है उसमें एन यानी अवगाद्रो संख्या से भाग कर देंगे, और ताप का मान दिया था उसको केल्विन में चेंज करके तब सोल्यूशन करेंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा आसानी से। इतना क्लियर है, तो इसको नोट करिएगा, फिर देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन को। तो इसको नोट करिए, देखिएगा पांचवा देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्रवों के अणुओं की स्थिति होती है, ये तो हम लोग लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, इसका थ्योरी में ही पढ़ चुके हैं कि जो अणुओं की स्थिति होती है वो अनिश्चित होती है, ऐसे ही मार देंगे। पांचवे का ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक करेक्ट है, एकदम अनिश्चित होगा। जो द्रव होते हैं उनके क्या होते हैं, अणु अनिश्चित होते हैं, उनके अणुओं की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। और जो ठोस होते हैं उनके अणुओं की स्थिति क्या होती है, तो निश्चित एवं क्रम रूप में होती है। इतना क्लियर है ना, ये थ्योरी में ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर ए है, अनिश्चित अणुओं की स्थिति क्या होती है, द्रवों की अणुओं की स्थिति क्या होती है, अनिश्चित। इतना क्लियर है। अब देखिए छठवा, एक लंबे समय अंतराल में, छठवा क्वेश्चन है सुनिएगा, एक लंबे समय अंतराल में ली गई गैसों की एक अणु की औसत ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, गैस के परम ताप के समानुपाती होती है, या गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होती है, या गैस के परम ताप पर निर्भर नहीं करती है, यही कह रहा है ना। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, छठवा है ना, जो गतिज ऊर्जा होती है समानुपाती होती है परम ताप टी के, ना यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है, ना अंडर रूट की बात कर रहा है, ना ये इस पे निर्भर कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है ना, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है, परम ताप पे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, गैस के परम ताप के समानुपाती होती है क्या गतिज ऊर्जा, आप छठवे का ऑप्शन नंबर बी मार सकते हैं ठीक है, बेहिचक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, ये दोनों समझ में आया, ऑप्शनल था, एकदम क्लियर है। सातवां देखिए, 20 ग्राम ऑक्सीजन की 47 डिग्री सेल्सियस पे स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगी, ऑक्सीजन का आणविक भार 32 और R का यानी जो नियतांक है उसका मान रखना है कितना, 8.3 जूल प्रति केल्विन ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। देखिए दिया है 20 ग्राम ऑक्सीजन की, यानी उसका द्रव्यमान दिया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है m, यानी स्मॉल m दिया है कितना 20 ग्राम। फिर कह रहा है कि इसका जो ताप है T बराबर दिया कितना 47 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसका आणविक भार यानी कैपिटल M का मान रखिए कितना, आणविक भार कितना रखिए 32, और R यानी नियतांक का मान रखना है 8.3। तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, यही पूछ रहा है ना। तो हम लोग E बराबर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, 3/2 स्मॉल m आर टी बटा में कैपिटल m ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम लोग अपनी गतिज ऊर्जा को निकालेंगे। तो चलिए 3/2 हो गया, m का मान दिया है कितना 20, फिर r का मान कितना दिया है 8.3 अब बटा में m का मान दिया है यानी इसका आणविक द्रव्यमान दिया है कितना 32, तो हो गया 32, और t का मान दिया है, t का मान देखिए, T का मान क्या दिया है 47 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए भाई सेल्सियस में तो इसको चेंज करेंगे पहले केल्विन में, तो क्या करेंगे इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, 1 × 7 = 4 = 11, 12 + 2 = 3 यानी 320,
यानी जो टी का मान रखेंगे कितना रखेंगे 320 गुणे 320, आ इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 32 से 32 कट जाएगा ये तो 10 बार में, फिर इसको कटाएंगे तो 2 5 10 5 यानी गुणा करेंगे कितना 3 × 20 × 8 3 और गुणे 5, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ये दशमलव गायब कर देगा, 5 3 15 अगुड़े, इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6 8 2 16 और इसका गुणा करेंगे 15 और 166 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2490। ये रहा आपका क्या आंसर, इतना जूल क्या होगी उष्मा गतिज ऊर्जा होगी, उष्मा नहीं गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है तो कितना होगा 2490। ऑप्शन की बात कर ले 2490, ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 27 ना, अरे सॉरी 7 ना, 2490 ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है 7वें का ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है मैच कर रहा है, ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया था, एम का मान दिया था कि 20 ग्राम कोई ऑक्सीजन है उसको 47 डिग्री सेल्सियस पर इसको चेंज करेंगे केल्विन में तो 320 हो जाएगा, 273 ऐड करते हैं, कह रहा है कि यदि एम यानी ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 हो और नियतांक 8.3 रखे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे E बराबर 3/2 mRT/m, m क्या है तो यही है, स्मॉल m क्या है तो उसका द्रव्यमान है, अब बस इस पे रखना है r का मान t का मान सबका रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2490 जूल, यानी जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 2490 जूल होगी, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इससे मैच किया तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है करेक्ट है, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, 8 नंबर वाला क्वेश्चन सुनिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए 8वां कह रहा है कि किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस पीबी आरटी समीकरण का लगभग पालन करती है, यानी जो गैस समीकरण क्या है पीवी बराबर आरटी ये कब पालन करती है, तो ये पालन करती है कब दाब व ताप पर ही, जब दाब व ताप स्थिर हो तो तभी करती है, लेकिन दाब कैसा होना चाहिए निम्न दाब होना चाहिए और ताप कैसा होना चाहिए उच्च ताप होना चाहिए, ये बात आप लोग रखिएगा ध्यान कि जो आदर्श गैस समीकरण होती है निम्न दाब व उच्च ताप पे क्या करती है पालन करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पे ही क्या करती है फॉलो करती है नियम को, तो चलिए ऑप्शन इसमें मिलाएंगे तो उच्च दाब तथा उच्च ताप नहीं ना, उच्च ताप चाहिए उच्च दाब नहीं चाहिए, निम्न दाब एवं निम्न ताप, निम्न दाब चाहिए लेकिन निम्न ताप नहीं चाहिए, निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, ये जी ऑप्शन मैच किया तो चलिए यहीं से हम लोग का आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी ही मिल गया, उच्च निम्न दाब और उच्च ताप पे क्या होती है गैस समीकरण क्या करती है नियम का पालन करती है, समीकरण क्या होता है नियम का पालन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑक्सीजन गैसों की अणुओं की गतिज ऊर्जा 227 डिग्री सेल्सियस पर 8.4 × 10⁻²⁰ जूल है, 27 डिग्री सेल्सियस पर गतिज ऊर्जा होगी, 27 डिग्री सेल्सियस पर गतिज ऊर्जा होगी, यानी देखिए ऑक्सीजन के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी ई का मान दिया है 227 डिग्री सेल्सियस पर कितना है गतिज ऊर्जा, उसका जो ताप दिया है उतने पे कितना दिया है तो 8.4 × 10⁻²⁰ जूल, तो पूछ रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, यानी एक ताप दिया है पूछ रहा है उस पे इतना है तो फिर एक ताप दे रहा है करे उस पे कितना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है 9 नंबर क्वेश्चन है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो E होती है प्रोपोर्शनल होती है T के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो मैंने बताया है कि जब समानुपात होता है तो दो अगर लेंगे यानी ऐसे ही चीजों दो गैसों को लेंगे A व B तो जो उनका अनुपात होगा E1 व E2 का अनुपात होगा वो T1 अपान T2 के होगा, इतना तो मैंने बताया है कई बार बताया है, जब भी समानुपाती होता है तो 1:1:2:1:2 होता है, विद्युतानुपाती होता है 1:2:2:1 हो जाता है, ये मैंने बताया है। तो देखिए दो ताप दिया है, एक T1 दिया है कितना 227 डिग्री सेल्सियस और एक ताप दिया है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, इसी ताप पे जो गतिज ऊर्जा होगी इसी को पूछ रहा है,
और इस पर दिया है कितना 8.4 × 10^-21 जूल। देखिए सारा मान दे रखा है, बस E2 का मान पूछ रहा है, इसी फॉर्मूले में करके हम लोग रखेंगे। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको चेंज करेंगे किस में, पहले तो केल्विन में, प्लस 273 ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10 और 7 × 2 = 9 = 10, 2 × 2 = 4 = 5, ये हो गया 500। इसको करेंगे तो 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 9 = 10 और 3, यानी हो जाएगा कितना 300। तो एक ताप हो गया 500, एक हो गया 300। ई का मान दिया है 8.4 × 10^-21। ई टू का मान पूछ रहा है तो ई टू का मान निकालिए, तो क्या होगा, ई टू का मान निकालेंगे तो पहले तिर्यक गुणा करेंगे, ई टू यहाँ पे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा टी वन ई टू बराबर क्या हो जाएगा ई वन टी टू। ई टू का मान पूछ रहा है तो ई टू बराबर क्या हो जाएगा ई वन टी टू बटा में टी वन। अब चलिए सबका मान रखिए, ई वन का मान कितना है 8.4 × 10^-21, अगुड़े टी टू का मान कितना है, टी टू का मान कितना है 300, अब बटा में टी वन का मान कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 8.4 को 5 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 5 एकम में 5, 3 बचेगा, 5 छक 30 दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है 5 छक 30, 4 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 5 8 = 40, यानी 1.68 × 10^-21, और ई है ना तो इसका मात्रक जूल। समझ में आया सबको, ई1 का मान इतना है, टी2 का मान इतना है, टी1 का मान इतना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 बचा है ना अभी भाई, 3 से इसमें गुणा होगा भाई, देखिए मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इसका तो डिवाइड करेंगे तो इतना होगा, अगुड़े इधर 3 बच रहा है अभी, ठीक है गुड़े 3 बच रहा है यहाँ पे, अब इसका गुड़ा करेंगे जो आंसर आएगा तब वो होगा, तो 3 से गुड़ा करिए 3 8 = 24, यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है गुड़ा उसका 3 8 = 24, नहीं भाई ऊपर लिखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चे, इधर लिख दे रहे हैं ठीक ना, या यहीं पे नीचे दिखाई दे रहा होगा तो लिख दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 से गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 = 24, 4 3 6 18 18 2 20 2 3 3 2 5 दशमलव लग जाएगा 2 स्थान पे, अगुड़े 10^-21, और मात्रक लगा दीजिए क्या जूल, तो आपका आंसर कितना आ गया 5.04 × 10^-21 जूल। तो ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 9वें का ऑप्शन नंबर मिलाइए 5.04 × 10^-21 जूल, 5.04 × 10^-21 जूल आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो 9वें का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया, यानी ये जो 9वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है। सबको समझ में आया, ई प्रोपोर्शनल होता है टी के, बस फार्मूला रखना है E1 E2 T1 T2, T1 का मान दिया है T2 का मान दिया है E1 का मान दिया है E2 पूछ रहा है, बस रखना है मान सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बातें समझ में आई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको नोट करिए फिर देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बोतल में 300 डिग्री सेल्सियस पे जल भरा है, रॉकेट द्वारा बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है, चंद्रमा के तल पर जैसे ही बोतल की ढक्कन खुलेगा तब जो जल का रिएक्शन होगा क्या होगा, जल जम जाएगा, जल उबलने लगेगा, जल H2 तथा O2 में विघटित हो जाएगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए भाई जब भी जल को ले जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे, उसको रॉकेट द्वारा ले जा रहे हैं, तो यानी रॉकेट द्वारा ले जाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में, अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जैसे ही वृद्धि होगी इसका मतलब उसके टेम्परेचर में क्या होगा, वृद्धि होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब टेम्परेचर में वृद्धि, और जैसे ही वहाँ पे ले जाके खोलेंगे उसको तो गतिज ऊर्जा इतना बढ़ जाएगी कि वो अणु क्या होने लगेंगे, उस द्रव के उबलने लगेंगे, यानी उसका जो परम ताप पे पहुँच जाएंगे यानी उबलने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 10वां का कौन सा सही हो जाएगा आपका बी, यानी चंद्रमा पर जैसे ले जाएंगे वो क्या होगा, जल उबलने लगेगा। इतना समझ में आया। 11 नंबर का सवाल सुनिए, कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी T1 का मान दिया है 11 नंबर सवाल में,
T1 का मान दिया कितना 27 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करेंगे केल्विन में 273 ऐड करके कितना हो जाएगा 300। कह रहा है कि किस ताप पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, यानी T2 का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है E1 अपान E2 बराबर होता है क्या T1 अपान T2, यहाँ पे इसको कंस्टेंट मान लिया है तो T2 पूछ रहा है, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या गुणेंगे तो T2 बराबर T1 होगा ना। तो T2 पूछ रहा है कितनी किस ताप पे वो अपनी गतिज ऊर्जा की आधी, अरे उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे T2 पूछ रहा है तो T2 का मान निकालना है, तो T2 करिए, अब बता T1 का मान कितना है 300, इसी का आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150 केल्विन, यानी जो ताप होगा 150 केल्विन पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है करेक्ट है, सी मैच कर रहा है कितना 150 केल्विन, 150 केल्विन। इतनी बातें समझ में आई सबको, चलिए अच्छी बात है। बढ़ते हैं 12 नंबर के सवाल की तरफ, सुनिएगा। कह रहा है कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच जो संघट्ट होता है वो कैसा होता है। तो थ्योरी जो देखे होंगे, थ्योरी को जो लोग पढ़े होंगे, बुक से भी पढ़े हों या वीडियो देख के पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि जो अणुगति सिद्धांत होता है इसमें जो पदार्थ होते हैं वो जिस कण से बने होते हैं वो जो कण टकराते हैं उनकी जो टकराने की प्रवृत्ति होती है वो पूर्ति या प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ होने का मतलब टकराती है तो पुनः फिर वो वापस अपने स्थान की तरफ लौट जाती हैं। यानी जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पूर्ति या प्रत्यास्थ होती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। 13 नंबर यानी 12 नंबर है ना, 11 पे से 12 होता है ना। तो जो क्या बोलते हैं पदार्थों का अणुगति सिद्धांत है उसमें जब कण टकराते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो पदार्थ भी बना हो, कोई भी पदार्थ उसके कण टकराते हैं, तो उनकी टकराने की प्रवृत्ति क्या होती है पूर्णतया क्या होती है प्रत्यास्थ होती है, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है करेक्ट है। यही दिया है ना, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ होने का मतलब टकराती है तो फिर वापस होने लगती है, ठीक है। तो ये समझ में आया, अणुगति सिद्धांत में पदार्थों की अणुओं की टकराने की प्रवृत्ति कैसी होती है पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। 12 नंबर तक ये आपका ऑप्शन नंबर मैच किया है, ठीक है, ए वाला, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, सुनिएगा, सब ऑप्शनल है इसमें का। कह रहा है कि एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के लिए विशिष्ट गैस नियतांक के का मान होता है भिन्न भिन्न होता है। ये भी आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भिन्न भिन्न, यदि एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट, एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के लिए जो विशिष्ट गैस का नियतांक होता है कि वो भी भिन्न भिन्न होता है, या अलग अलग गैसों के, अलग अलग गैसों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो, या नहीं नहीं ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे दो टॉपिक था उसमें, एक था कि एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो या एक ही द्रव्यमान की भिन्न भिन्न गैस हो, ऐसे था, ठीक ना, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। एक ही गैस के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो या भिन्न भिन्न द्रव्यमान को, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की एक ही गैस हो, तब भी उनका जो विशिष्ट ऊष्मा गति, विशिष्ट ऊष्मा का जो नियतांक होता है उसका मान भिन्न भिन्न होता है, ये थ्योरी में दिया है, आप लोग को पढ़ चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न होता है, यानी ए, यानी जो 13 नंबर सवाल है उसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या होती है तो भिन्न भिन्न होती है, क्या होती है भिन्न भिन्न होती है, कब कोई भी गैस हो उसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो और पूछे उसकी विशिष्ट नियतांक क्या होंगे, उसका मान कैसा होगा, तो उसका भी मान क्या होगा भिन्न भिन्न होगा, या भिन्न भिन्न द्रव्यमान की कोई गैस हो तो उनका भी जो विशिष्ट गैस का नियतांक होता है वो भी क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। ये बातें आपको समझ में आई, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है करेक्ट है, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, सुनिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि गैस की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कर देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ऐसा पढ़ेंगे ना आप लोग जल्दी में सत्य पढ़ लेंगे और ऑप्शन गलत ही मार देंगे। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं छूट जाता है असत्य छूट जाता है, सत्य हाँ पढ़ लेते हैं या नहीं को नहीं छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो गैस की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन
असत्य है, असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए आपको यो ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्या है। पहला कि गैस के अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं, भाई सत्य बात है। गैस के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं, ये तो यहीं पकड़ा गया। अभी हम लोगों ने 12 नंबर में पूछे कि उनको जो 12 नंबर में ही पढ़ लिए कि जो क्या होती है, टकराने की प्रवृत्ति होती है, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, लेकिन इसमें दे दिया है क्या, गैसों के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं, यही पकड़ी गई गलती। तो यही आपका क्या होगा, असत्य होगा। यानी जो 14 का ऑप्शन नंबर बी है वही क्या है, असत्य है। भाई अणुगति सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो इसमें जो अणुओं की टकराने की प्रवृत्ति होती है पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, और दूसरा ऑप्शन ही आपको दिख गया अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं, बात गलत है। यही मिल गया आपका आंसर, और बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतनी समझ में आ गई। तो चलिए देख इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं उसको बहुत ही मजेदार तरीके से, और इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चनों के साथ होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर की क्या कह रहा है, भाई इससे भी भेंट कर लेते हैं अच्छे से, बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 mm है, मिमी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे दाब क्या होगा। तो ताप और दाब की बात कर रहा है, यानी जो दाब होता है समानुपाती होता है ताप के। अब फिर दो दो की बात कर रहा है, दो दो दिया है, यानी इस ताप पे इसका दाब इतना हो तो अगले ताप पे कितना होगा। दो की बात कर रहा है तो अनुपात कितना होता है, P1/P2 = 1:1, ठीक है, 1:1:2, T1/T2, ये मैंने बताया है ना। तो देखिए कह रहा है कि जब ताप क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसका दाब दिया है कितना, दिया है जो दाब दिया है आपका, दिया है कितना जी, 15 दाब दिया है कितना, 760 दाब दिया है, 760। जब कह रहा है कि इसका ताप कितना हो जाए, इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस ना, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब इसका दाब पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। डिग्री सेल्सियस में दिया है, किसमें चेंज करेंगे, केल्विन में, कितना जोड़ेंगे, 273 कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, ये हो जाए कितना, तो 373 केल्विन, इतना क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, P2 का मान निकालना है, P2 का मान निकालना है, तो तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, T1 P2 = P1 T2, और यहां से P2 का मान पूछ रहा है, तो P2 बराबर निकालेंगे तो P1 T2 बटा में T1, यही निकालना है ना। देखिए स्याही भी खत्म होने वाली है और ये वीडियो भी खत्म होने वाला है, चलिए इसी पे देख लेते हैं, लाइक चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। P2 का मान पूछ रहा है तो लिखते हैं P2, पीटने वाली P2 नहीं, ठीक है, P2 यानी दूसरा दाब। P1 का मान दिया कितना, 760 गुणे T2 का मान दिया है कितना, 373 बटा में T1 का मान दिया है कितना, 273 इसको कैलकुलेट करेंगे। अब अपना कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 10 38 mm। दाब मिमी में था तो यहाँ पे भी मिमी में लिख दे रहे हैं, चेंज नहीं किए इसलिए mm में, यदि चेंज किए होते मीटर में तो यहाँ पे दाब मीटर में होता, ठीक है। तो दाब कितना आ गया, 10 38 mm। तो ऑप्शन की बात कर ले 15 का, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, कोई है ही नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर कोई नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, 760 780 730 इनमें से कोई नहीं। तो भाई इतना तो हम लोग को दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं था, यानी जो 15 नंबर का सवाल है ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है भाई, सबसे अलग भी था, देखिए ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा है कि हाँ भाई इसका आंसर इतना आया है,
ऑप्शन को ही उड़ा दिया, इनमें से कोई नहीं भाई, सबसे हटके था, लास्ट में आया, सबसे हटके रहा। चलिए तो इससे भी भेंट मुलाकात हो गई, बहुत ही अच्छा लगा भाई, इनमें से कोई नहीं, अलग ही ये अपना परिचय दे गए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन क्या कर ले, ऑन कर लें। क्या होगा इससे कि हम लोग जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, 15 नंबर क्वेश्चन तक, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।